सो हाय गाइस, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है. सो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इयररिंग्स के बारे में. सो गाइस, आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के इयररिंग्स चल रहे हैं, लाइक मेटेलिक में चल रहे हैं और एंशियंट टाइप के जो इयररिंग्स होते हैं वो भी काफी चल रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा इयररिंग्स का कलेक्शन, जो कि मैंने अदर मतलब काफी सारी सिटीज से खरीदा है. लाइक कुछ मैंने ऋषिकेश से परचेज किए हैं, कुछ मैंने दिल्ली से लिए, कुछ मैंने देहरादून से लिए हैं. सो मैं उन सबके आपको प्राइस डिफरेंस बताऊंगी कि आपको अगर इयररिंग्स लेने हैं तो आप कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से आपको वो सस्ते मिलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं साथ ही साथ आपको उन्हें पहन के भी दिखाऊंगी. सो एक साइड हम बताएंगे उसका प्राइस एंड दूसरी साइड हम बताएंगे आपको कि वो मींस किस तरीके से और कैसे उसे पहने और किस चीज के साथ पहने गाइस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ओके गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब मैं आप लोगों को अपना इयररिंग्स का कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इयररिंग्स है फ्रेंड्स, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं जब आप इन्हें पहने, क्योंकि मुझे झुमकी और बाली दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. सो आप देख सकते हैं, आप इसे कुर्ती के साथ पहन सकते हैं बिकॉज वैसे आप इसे स्वेटशर्ट या फिर किसी और शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं बिकॉज शर्ट पे ऐसे इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. सो लाइक जैसे मैंने अभी ये स्वेटशर्ट पहनी है, सो मैं इसके साथ इसे पहनूंगी तो ये बहुत अच्छे लगेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड फॉर नेक्स्ट इयररिंग. सो गाइज, अब आप ये देखिए, ये मेरे सिल्वर कलर के इयररिंग्स हैं. मैं इन्हें ब्लैक कलर की कुर्ती या फिर किसी भी डार्क कलर की कुर्ती के साथ जब पहनती हूँ तो ये बहुत प्रीटी लगते हैं. मैंने इसे ऋषिकेश से परचेज किया है और आप मानेंगे ना, ये बहुत ही लाइट है. कभी कभी लोगों को लगता है कि इयररिंग्स इतने भारी भारी कौन पहनेगा, लेकिन सीरियसली ये बहुत लाइट है. सो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट इयररिंग्स. सो फ्रेंड्स, ये है हमारे इयररिंग नंबर 3. ये बहुत बड़े इयररिंग्स हैं और काफी लाइट है, बिल्कुल हैवी नहीं है और आप देख सकते हैं कि ये सिल्वर कलर में है. तो कितने प्रिटी लगेंगे जब आप इसे किसी कुर्ती के साथ या फिर आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं आप इसे तब पहनिए किसी टॉप और जीन्स के साथ. ये लिटरली बहुत अच्छे लगेंगे. आप इसे कैजुअली भी पहन सकते हैं, आप इसे फॉर्मली भी पहन सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप इसे पहन सकते हैं. तो चलिए हमारे नेक्स्ट इयररिंग्स देखते हैं. सो गाइस, ये है मेरे पार्टी इयररिंग्स. मैं आपको इसे निकाल के दिखा देती हूँ. ये है मेरे पार्टी इयररिंग्स. मैंने अभी एक ब्लैक कलर की साड़ी मंगाई थी ऑनलाइन शॉपिंग, उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को कुछ टाइम में दूंगी. सो ब्लैक पे गोल्डन कलर का वर्क हुआ है. सो गाइज, मैंने इसलिए इन इयररिंग्स को खरीदा था. आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रिटी है. ये पेयर शेप में है और जब मैं इन्हें पहनती हूँ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं. एंड गाइज, इसे कैजुअली नहीं पहना जा सकता, आप इसे किसी साड़ी या फिर लहंगे के साथ ही पहन सकते हैं जिसका कि ब्लैक विद गोल्डन कॉन्ट्रास्ट हो. सो चलिए हम नेक्स्ट इयररिंग्स देखते हैं. नेक्स्ट इयररिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट जो कि आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं. सो हियर वी गो, दिस ये मार्केट में आजकल ट्रेंड कर रहे हैं गाइस. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. ये मैंने अपनी मदर को गिफ्ट किए हैं. सो उनके पास एक नेवी ब्लू कलर, सॉरी रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है, तो वो इसको उनके साथ पहनती है. ये बहुत ही लाइट है, ये लाइट वेटेड है, ऐसा कुछ हैवीनेस इसमें नहीं है. बहुत ही चीप प्राइस है इसका, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल, सॉरी बहुत ही ज्यादा हाई होंगे इसके रेट्स. तो ये काफी रीजनेबल रेट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे. लेकिन गाइस, इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है. ये मैंने फैशन फेस्टा एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहां से ये मिल जाएंगे. ये बहुत ही बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत रीजनेबल है. सो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट इयररिंग. सो आवर नेक्स्ट इयररिंग इज दिस. सो गाइज, ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है. अगर आप देखेंगे तो आपको हर किसी के कानों में यही दिखेगा बिकॉज ये बहुत ट्रेंडिंग है और ये बहुत अच्छे लगते हैं गर्ल्स के ऊपर. सो फ्रेंड्स, वैसे गर्ल्स ही इयररिंग्स पहनती है. सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप इसे कुर्ती के साथ पहनेंगे तो. आई गॉट ब्लैक कलर की एक कुर्ती थी मेरे पास, सो उस पर रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट हुआ हुआ है और मैंने उसको ये पहना था. सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा लगा था उसके ऊपर और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे कि दैट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो फ्रेंड्स, आप इसे उसके ऊपर पहन सकते हैं. तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट इयररिंग्स आपको दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है एक टाइप की झुमकी. सो चलिए मैं इसे निकाल देती हूँ, ये झुमकी. सो इसे बोला जाता है झुमकी, आप देख सकते हैं इसमें अगर आप लोगों को दिख रहा हो क्लियरली. सो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है झुमकी और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है लड़कियों को पहनने के बाद. और ये मेरा बेस्ट कलेक्शन में से एक है बिकॉज जब भी मैं इसे पहनती हूँ सो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं दैट आप ये बहुत अच्छी लग रही है, आपने ये कहाँ से खरीदी. सो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने नॉर्मल मार्केट से खरीदी है, इसे मैंने कहीं से मंगाया नहीं है और बहुत चीप प्राइस है इसका. ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल. सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट इयररिंग्स की तरफ मुड़ते हैं. सो माई नेक्स्ट इयररिंग इज दिस. इसे बोला जाता है एंशियंट इयररिंग्स.
सो फ्रेंड्स आप देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसे देख के मुझे थोड़ा ऐसा लगता है लाइक ये बहुत ही एंशियंट टाइप के इयररिंग्स होंगे क्योंकि इसका जो वर्क है वो सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी कारीगरी हुई है एंड इसे मैंने ऋषिकेश से परचेज किया था एंड ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इन्हें पहना जाता है और मेरा मानना है कि लॉन्ग कुर्ती के साथ पहने इसे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे आपके ऊपर। सो चलिए हम हमारे नेक्स्ट इयरिंग की तरफ हमारे नेक्स्ट इयरिंग्स की तरफ मुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कि मेरे पास कितना सारा और कितना बड़ा इयरिंग्स का कलेक्शन है। सो ये है नेक्स्ट इयरिंग्स, ये बहुत ही प्रिटी इयरिंग्स है। ये देखिए इसमें नीचे ऊपर ये रेड कलर का फूल, मरून एक्चुअली ये इसमें रेड नजर आ रहा है बट ये मैरून कलर का फूल है और उसके बीच में डायमंड स्टोन लगा है एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो वर्क हो रखा है ये बहुत ही प्रिटी है। आई डोंट नो इस वर्क को क्या बोलते हैं, इसलिए मैं इसे वर्क बोल रही हूँ। सो फ्रेंड्स ये पहनने के बाद लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मेरे पास एक मैरून कलर का सूट है, दैट्स व्हाई मैंने इसे खरीदा था। बहुत ही कॉस्टली नहीं है, मार्केट में मुझे ये 120 रुपीज के मिले थे। सो मैंने एकदम से खरीद लिए थे बिकॉज आई रियली नीड इट, क्योंकि मैरून कलर के के साथ अगर आप मेहरून कलर के एंड गोल्डन कलर के इयरिंग्स पहनेंगे तो वो बहुत अच्छा। अब यही मेरा इयरिंग्स कलेक्शन था, आई हैव सो मेनी मोर बट आज की वीडियो 9 मिनट्स की हो चुकी है ऑलरेडी। सो आज हम बस इसे यहीं पे ही खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को किसी और चीज का रिव्यू दूंगी। फ्रेंड्स आई हैव फिलिप्स का 5-in-1 स्ट्रेटनर एंड क्रिम्पर। सो गाइज मैं आप लोगों को उसमें दिखाऊंगी, उसमें कलर भी है, उसमें वेव्स वाला ऑप्शन भी है, उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। सो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो स्ट्रेटनिंग पार्ट जो होगा फिलिप्स का मैं वो आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। मैंने उसे अभी परचेज किया है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करें जरूर बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज गाइज सपोर्ट कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूंगी अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। सो गाइज बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।